बिहार के बेगूसराय से आए एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ एक दरोगा की आशिकी जब सबके सामने आ गई तो उन्होंने महिला को 7 जन्मों के लिए अपना बना लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम जिस दरोगा की बात कर रहे हैं उसका नाम सुमन कुमार है, वहीं महिला का नाम छोटी देवी है। मीडिया ने जब महिला से बातचीत की तब पता चला कि दरोगा और छोटी देवी के बीच प्रेम प्रसंग है। हुआ यूं कि दरोगा सुमन कुमार 2020 में बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाने में कार्यरत थे। इसी दौरान गश्ती के क्रम में सुमन कुमार की छोटी देवी से मुलाकात हुई, दोनों में प्रेम हो गया। दरोगा और महिला दोनों शादीशुदा हैं। उसके बाद सुमन कुमार का तबादला जिले के शामहो थाना में हो गया। तबादले के बाद सुमन कुमार छोटी देवी के साथ सूर्यगढ़ा में रहने लगे। छोटी देवी ने बताया उन दोनों ने 2020 में ही अशोक धाम मंदिर में शादी कर ली। फिलहाल दोनों सुभाष चौक के पास एक मकान में रहते हैं। इसी दौरान महिला के कुछ रिश्तेदार मिलने पहुंचे, उन्होंने पूछताछ शुरू की। उसके बाद दरोगा ने महिला की मांग में सिंदूर डालकर ये बताया कि वो महिला के साथ उसकी मर्जी से रह रहे हैं। छोटी देवी ने बताया कि दरोगा पर उनके परिवार वाले गलत आरोप भी लगा रहे हैं। दरोगा से उन्होंने अपनी मर्जी से प्रेम किया है और शादी की है। छोटी देवी के पहले से 2 बच्चे हैं। छोटी देवी ने पंचायत नामा कराकर अपने पति को छोड़ दिया, दरोगा के साथ रहती हैं। वहीं दूसरी ओर दरोगा भी शादीशुदा है और 4 बच्चों का पिता है। हालांकि दोनों अभी साथ दिख रहे हैं और दोनों ने राजी खुशी के साथ रहने की बात कही है। दोनों परिवार वालों को दोनों की शादी की बात भी पता चल गई है। अरे उठ के आराम से बैठिए, बैठिएगा कि बुलाना होगा पुलिस को। बोलिए ये घर के लोग हैं, घर के लोग हैं, करिए कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, आप करिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।